बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बात का मतलब समझना किसी किसी को आता है। नमस्कार, मैं आपका वीक रैंक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाई किसी भी बॉडी का मोशन जो है कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो कितने तरीके से किया जा सकता है? तीन तरीके से, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि भाई मोशन की इक्वेशन कितनी होती है। देखिए मोशन की तीन इक्वेशन होती है। आज हम पहली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन की पहली इक्वेशन कौन सी होती है। देखिए ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टर्म बताता हूँ। क्या टर्म है वो? क्या? रेटर्डेशन। देखिए रेटर्डेशन हो या फिर डिक्लेरेशन हो या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, ये तीनों ही बात एक हैं। पेपर में अगर आ जाए कि भाई रेट्रार्डेशन क्या होता है, तो देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रेट्रार्डेशन बोलते हैं। क्या? जो रेट्रार्डेशन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टर्म है थोड़ी, इसलिए बताइए। मैंने कई बार पेपर में पूछ लिया था कि भाई रेट्रार्डेशन क्या होता है, तो ऑप्शन में आते हैं कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है, कि क्या होता है। तो ध्यान रखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रेट्रार्डेशन बोलते हैं या फिर डिक्लेरेशन। ये तीनों ही टर्म बात एक ही है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। क्या? जैसे कि हम अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझे, तो अगर मान लीजिए हम यहां टाइम ले लेते हैं और यहां अगर हम वेलोसिटी ले लेते हैं, तो देखिए किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग जब चेंज हो जाए, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब वो डिक्रीज हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे रेट्रार्डेशन। तो समझ आया रेट्रार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए शुरू करते हैं पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, तो देखिए v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। और u को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और a को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। और t को टाइम। ध्यान रखिए, a को एक्सेलरेशन, t को टाइम, V को फाइनल वेलोसिटी और U को जो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये शुरुआती जब हम स्टार्ट करते हैं, ये जो है फाइनल जब हम एंड कर देते हैं। अगर इसके प्रूफ की बात करें, देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही पढ़ा था। अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी को भी हमने क्या देखा था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही देखा था हमने। अगर हम इसको जो है ऐसे ही फॉर्मूले में ड्राइव करें, तो क्या होगा? v फाइनल वेलोसिटी, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बाय t, यही हो गया, यही हो गया। इसमें से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगी वो? इसके आगे है a, क्योंकि एक्सेलरेशन का है a, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, यही हो जाएगा। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? v इज इक्वल टू at प्लस u। तो इसका यही प्रूफ है, जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। और ध्यान रखिए जो एक्सेलरेशन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है। और इसको अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को देखेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं? इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम का एज इट इज डिवाइड। अगर हम इसको फॉर्मूला बनाए इसका, तो फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या बोला है? वी। इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या बोला है? यू। टाइम को टी।
एक्सेलरेशन एज इट इज, ठीक है। यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बात एक ही है। और हम इसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को काफी इंपॉर्टेंट है, मत ध्यान रखिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसी को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। तो समझ आया, ध्यान रखिए, ये जो पहली इक्वेशन है इसी से ही आगे दोनों इक्वेशन ड्राइव होंगी, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है वो इसी से ही निकल के आएंगी। तो आप ध्यान रखिए, जो पहली इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होती है, आगे हम इसकी जो सेकंड इक्वेशन करेंगे उसमें जो है ये वैल्यू पुट करेंगे तभी सेकंड इक्वेशन निकलेगी, और थर्ड इक्वेशन में भी ऐसे ही करेंगे, हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे तब वो थर्ड इक्वेशन निकलेगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम सेकंड इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।